गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, कोड 303 यूनिट फर्स्ट आरसीसी में। और आज का टॉपिक अपना रहेगा बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ। बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ, आपने सेकेंड ईयर कॉन्क्रीट में भी पढ़ा होगा कि बॉन्ड क्या होता है और किस तरह से उसको इम्प्रूव करते हैं। कॉन्क्रीट में आपने बॉन्ड पढ़ा, वह बॉन्ड किसका था? सीसी का, सीमेंट कंक्रीट का, यानी एग्रीगेट और पेस्ट का, सीमेंट पेस्ट का। यहाँ पर अगर हम आरसीसी में बॉन्ड की बात करेंगे तो मुख्य तौर पर स्टील और कंक्रीट का है बॉन्ड। तो बॉन्ड से मीनिंग यह है टू प्रिवेंट द स्लिप ऑफ द स्टील बार। बॉन्ड का मुख्य मकसद क्या है कि प्रिवेंट द स्लिप ऑफ स्टील बार फ्रॉम कंक्रीट। स्टील बार को कंक्रीट से स्लिप होने से रोकने में जो है वो है बॉन्ड। बॉन्ड एक तरह से क्या है, सीयर स्ट्रेस है जो स्टील के चारों तरफ एक्ट कर रही है और उसको स्लिप होने से रोकती है। तो बॉन्ड को कई बार सीयर स्ट्रेस भी है। तो टू प्रिवेंट द स्लिप ऑफ स्टील बार। बॉन्ड का मैकेनिज्म किस तरह से, जैसे कंक्रीट सेट होता है, ड्राई होता है, तो ड्यूरिंग सेटिंग उसकी ग्रिप बढ़ती जाती है, तो उसको हम बोलते हैं बॉन्ड। अब बॉन्ड को इम्प्रूव कैसे करेंगे, एक तो रिच कंक्रीट ग्रेड हो, एक प्रॉपर कंपैक्शन क्यूरिंग हो, और एक टोर बार यूज कर। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, एक तो प्लेन बार होता है जिसको हम माइल्ड स्टील बोलते हैं, एक ट्विस्टेड बार होता है, रिब्ड बार इस तरह से, जिसमें रिब्ड होते हैं तो उसको बोलते हैं HYSD या टोर बार। तो प्लेन बार का बॉन्ड कम है, इसका ज्यादा है। तो अगर हम ये रिम्ड बार यूज करेंगे तो इसका, टोर बार यूज करेंगे तो बॉन्ड इसकी बजाय इसका 60% ज्यादा है। ये परसेंट जरूर आप याद रखा करें कि टोर बार का प्लेन बार से या माइंड स्टील से 60% बॉन्ड ज्यादा है टेंशन में, और कंप्रेशन में 25% ज्यादा है। चाहे कोई सा भी बार हो कंप्रेशन में, तो चाहे माइंड हो चाहे टोर हो, तो ये करें या ये जो हुक लगाएं, तो इस तरह से बॉन्ड को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बॉन्ड इम्प्रूव होने के लिए कंक्रीट ग्रेड और स्टील ग्रेड, जैसे जैसे रिचर कंक्रीट होता जाएगा टाऊ बीडी है वो बढ़ती जाएगी, और ऐसे ऐसे ही आपकी जो टोर स्टील होगी तो बॉन्ड ज्यादा होगा। अब हम बात करें एक दूसरे की डेवलपमेंट लेंथ, जिसको हम LD बोलते हैं, डेवलपमेंट लेंथ। तो इसका एक सिंपल कंसेप्ट क्या है, मान लो ये कंक्रीट का ब्लॉक है और ये स्टील बार है, यहाँ आपने फोर्स लगाई, वह फोर्स इस शरीर को स्लिप करेगी इस कंक्रीट मेंबर में से, और बॉन्ड के जरिए ये कंक्रीट मेंबर इसको रोकेगा। या पहले मैंने आपको बताया टू परवेंट द स्लिप ऑफ द बार, तो ये रोकेगा। तो इसको इस फोर्स के अगेंस्ट में कितना अंदर दें ये डिपेंड किस पर करता है, ये फ्रिक्शनल रजिस्टेंस और टाऊ बीडी, ये वाली जो सीयर स्ट्रेस है ये टाऊ बीडी है, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस ये है। तो ये इतनी हो, यानी इसका एंकरेज इतना हो स्टील बार का कंक्रीट के अंदर, ताकि फुल स्ट्रेस पैदा हो जाए और जितना फोर्स लग रहा है उतनी अपोजिट फोर्स इसमें पैदा हो जाए। ये स्लिपिंग फोर्स होगा और ये रजिस्टिंग फोर्स होगा। तो रजिस्टिंग फोर्स क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेस इंटू इसका रजिस्टिंग एरिया, और ये आपका हो जाएगा आपका जो स्ट्रेस इनटू एरिया। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं डेवलपमेंट लेंथ। ये कुछ भी नहीं है, मिनिमम लेंथ है ताकि फुल स्ट्रेस पैदा हो जाए या ये जो स्टील बार स्लिप नहीं हो सके। तो अब नए कोड में डेवलपमेंट लेंथ का पूरा क्लास है, इसका चेक भी है बीम और स्लैब में कि सपोर्ट पर बॉन्ड को कैसे चेक करें। तो LD नॉट मोर देन M1/V प्लस L0 है, या LD दो डिफरेंट दो बार हैं उनको लैप करना है, स्प्लाइस करना है, तो एक दूसरे को किस तरह से जोड़े, मान लो एक बार की लंबाई यहाँ ख़त्म होगी तो दूसरा यहाँ जोड़ते हैं, तो ये जो एक दूसरे के ऊपर लैप है इसको भी एक तरह से LD हम लेते हैं, या तो 35 टेंशन में या LD जो भी जाता है। तो LD का उपयोग हर जगह है, आप हर चाहे कैंटिलीवर पोर्शन हो, चाहे सिंपली सपोर्टेड हो, चाहे हुक हो, कहीं पर हो, आपको डेवलपमेंट लेंथ हर हालत में एंकरेज करनी होगी, चाहे बोन टेस्ट हो। अब इसका फार्मूला किस तरह से आता है,
कि ये स्लिपिंग फोर्स है और ये रजिस्टिंग फोर्स है, तो इन ये दोनों बराबर हो जाएं, तो दोनों बराबर हो जाएं तो एम डी क्या निकलेगी, 0.87 एफ आई फाई अपॉन 4 टाउ बी डी। एक तरह से ये तो डिजाइन स्ट्रेस है, तो यहाँ इसकी जगह हम डब्ल्यू एस में सिग्मा एस टी भी लिखते हैं, लेकिन लिमिट स्टेट में डिजाइन स्ट्रेस है 0.87 एफ आई, और ये फाई डायो बार है और ये डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस है। तो एक तरह से एल डी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, किस क्रम में, फाई की क्रम में है, यानी जितना ज्यादा डाया होगा उतना ज्यादा उसकी एल डी होगी। यानी सपोज करो 50 फाई आई एक डाया की, एक 45 फाई आई, एक 55 फाई आई, तो जितना बार डाया ज्यादा होता जाएगा उसकी भी एल डी ज्यादा होती जाएगी। तो ये एक तरह से डेवलपमेंट लेंथ का या इंक्रीज का इसका ये फार्मूला है कि किस तरह से निकलेगी। तो इसमें तो टाउ बी डी के ऊपर डिपेंडेंट है, फाई पर है और हिल स्ट्रेस पर भी है, कि ये आपकी 500 है, 415 है या कितनी है। तो इस तरह से ये मिनिमम लेंथ है जो आपको एंकरेज करनी पड़ेगी ताकि ये बार स्लिप नहीं हो। तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह से याद रखिए, डेवलपमेंट लेंथ डिनोटेड बाई एल डी, डेवलपमेंट लेंथ। और ये चाहे स्लैब बीम डिजाइन कुछ भी हो, सब जगह पर आपकी यूज होगी डेवलपमेंट लेंथ। तो इसके लिए आपको डाटा क्या याद करना है, स्टील ग्रेड पर भी डिपेंडेंट है और कंक्रीट ग्रेड पर भी डिपेंडेंट है। और एक इसका मैकेनिज्म क्या है बॉन्ड का, श्रिंकेज से। तो जैसे कंक्रीट ड्राई होता है श्रिंक होता है, और श्रिंक से बॉन्ड इंप्रूव होगा। हालांकि श्रिंकेज से क्रैक पैदा होते हैं, लेकिन श्रिंकेज का एक बेनिफिट भी है टू इंप्रूव द बॉन्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है आपका, तो याद रखना। एक दूसरा इंपॉर्टेंट बार बार प्रश्न ये आता है, अगर प्लेन बार की बजाय, प्लेन बार की बजाय अगर टोर बार है तो बोन टाउ बी डी कितनी बढ़ेगी, 60% इंप्रूव होगी, 60% हो जाएगी प्लेन के रिस्पेक्ट में, ये तो टेंशन में। और अगर कंप्रेशन में है तो इंक्रीज होगी 25%। तो ये 2% आप और जरूर याद रखेंगे, आशा है ये आपको इम्पोर्टेंट लगेगा आज का।